हे गाइस, व्हाट्स अप। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो अभी आप सभी लोगों को, सबको नहीं आई गेस, कुछ लोगों को तो पता लग ही गया होगा कि सैमसंग अभी नंबर वन स्मार्टफोन सेलिंग ब्रांड बन गया है इंडिया में 24% मार्केट शेयर के साथ। काउंटर पॉइंट की तरफ से डाटा निकल गया है, Q3 2020 में सारा सीन हुआ है। और मुझे जहाँ तक लगता है इसका क्रेडिट मेरे अकॉर्डिंग सैमसंग की जो M सीरीज़ के स्मार्टफोन्स है उनको जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन फ़ोन को परचेस किया है, काफ़ी पसंद भी किया है, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं सैमसंग के कंपैरिजन, सैमसंग को अगर ध्यान में रख के देखा जाए तो। एंड पर्सनली बोलूँ तो मैंने भी सैमसंग के इस सीरीज़ के फ़ोन्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जैसे कि M30S, M31S, M51 जैसे स्मार्टफोन्स का रिव्यू भी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कंसिस्टेंटली, ध्यान में दीजिएगा, कंसिस्टेंटली इन सारे फ़ोन में मैंने रिपीटेड कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस करी है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही कुछ 5 मेजर प्रॉब्लम्स बताने वाली हूँ जो मुझे सैमसंग के हर एक इन मिड रेंज फ़ोन्स में देखने को मिली है, जो आप लोगों का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप आने वाले टाइम पर सैमसंग का कोई फ़ोन परचेज करने का सोच रहे हो तो। सो, बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, सैमसंग के स्मार्टफोन्स में हमें करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो मिड रेंज के फ़ोन्स हैं। खासकर अभी पिछले 3 महीनों में मैं सैमसंग M31S, सैमसंग M51 एंड सैमसंग का F41 3 फ़ोन यूज़ कर चुकी हूँ, तीनों में करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं है। और ऐसी बात नहीं है यार कि एक्जिनस 9611 या फिर स्नैपड्रैगन 730G करियर एग्रीगेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। सैमसंग ने इस ऑप्शन को लॉक करके दिया हुआ है और कहीं ना कहीं रीज़न वही है, कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में। चलो F41 में नहीं मिल रहा है 15,000 के फ़ोन में, वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल मैं मान लेती हूँ, लेकिन यार M31S 20,000 और 25,000 में भी नहीं इनेबल करके दे रहे हो तो ये बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है। बिकॉज माइक्रोमैक्स ने 11,000 के फ़ोन में दे दिया यार, यहाँ तो बात 15,000 से ऊपर के फ़ोन्स की हो रही है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत चीज़ है। आजकल हर किसी का हक है फास्ट इंटरनेट चलाने का, नहीं करके दे रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग ये गलत चीज़ है और ये होनी चाहिए सैमसंग के स्मार्टफोन्स में। बाय द वे, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी यार, अभी तक अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता ही है काफ़ी अलग अलग वेराइटी की वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहती है। खैर, नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में अगर बात की जाए, इसको मैं बोलूँगी कि इस पर तो 100% सभी लोग अग्री करेंगे, सैमसंग के स्मार्टफोन्स की बिल्ड क्वालिटी। ऑनेस्टली बोलूँ ना, जब M31S आया था ना, तो पर्सनली मुझे लगने लगा था कि सैमसंग शायद से इम्प्रूव कर रहा है अपनी बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। M51 आया, फिर F41 आया, सब में सेम कहानी, वही घिसी पिटी सी बिल्ड क्वालिटी लागे दे दी। और पता है अच्छी बात क्या है, अच्छी बात नहीं है, मतलब थोड़ा सरकेज़म में बोला मैंने, लेकिन पता है क्या होता है, बिल्ड क्वालिटी चलो तुमने रद्दी दे दी, लेकिन एटलीस्ट इतना कर्टेसी होना चाहिए कि हमें बॉक्स के अंदर एक बैक कवर और ऊपर जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की ये प्रोटेक्शन देते हैं उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लगा के देनी चाहिए, लेकिन ये भी हमें नहीं मिलता है, जो बहुत ही गलत चीज़ है। और बिल्ड क्वालिटी की तो यार मतलब स्क्रैचेस भर जाता है फोन स्क्रैचेस से। मैं M51 यूज करती हूँ और आज की तारीख में वो फोन ऐसा बन चुका है कि मैं आप लोगों को वो फोन दिखा नहीं सकती बैक साइड से, उस पर इतने सारे स्क्रैचेस हैं। तो बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है सैमसंग के हर एक स्मार्टफोन में। आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको ग्लास बिल्ट मिलेगा या फिर रियलमी 7 प्रो जैसी फिनिश मिलेगी, तो सैमसंग के स्मार्टफोन्स में ये सब कुछ नहीं चलता है भाई। तो ये एक देखने वाली बात है, आई मीन आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइफ अपडेट दे देती हूँ। मेरी आँख में जो लाल धब्बा पड़ा था वो अभी काइंड ऑफ ठीक होने के प्रोसेस में, थोड़ा लाइट हो गया है तो इसलिए वीडियो बन रहा है वैसे। बट नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में अगर बात करी जाए, तो ये आजकल मैं 3 फोन यूज़ कर रही हूँ, उसमें मुझे कंटिन्यूसली देख ऑन एंड ऑफ देखने को मिल रही है प्रॉक्सिमिटी सेंसर को लेके। होता क्या है, थोड़ा सा आइडिया दो, तो जब आपका कॉल आता है तो जब आप कान के पास लेके जाते हो तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंटल टचेस नहीं हो पाते आपके कान पर। तो ये M51 में तो ठीक से काम कर रहा है, मुझे उसमें इशू नहीं देखने को मिला है, लेकिन मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं जहाँ पर लोगों को M51 में भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर ढंग से काम नहीं कर रहा है इससे रिलेटेड।
स्पेशली M31S तो मैंने पर्सनली यूज़ किया है, वहाँ पर भी ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर प्रॉब्लम करता है, F41 के अंदर भी कर रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी एक प्रॉब्लम है जो सैमसंग के फ़ोन्स में अभी लेटली मुझे देखने को मिल रही है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर ढंग से नहीं चल रहा है, तो ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। यहीं पर एक और प्रॉब्लम मैं ऐड करना चाहूँगी यार, कि सैमसंग के फ़ोन्स में हमें हैप्टिक फीडबैक नहीं मिलता है, जो कि अगर आप सैमसंग के ही फ़ोन्स यूज़ कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो आपको एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम लगने वाली है, क्योंकि आप यूज़ टू हो चुके हो। लेकिन अगर आप कोई दूसरे फ़ोन से शिफ्ट हो गए यहाँ पर आते हो, स्पेशली शाओमी पोको के फ़ोन्स, या फिर अगर आप रियलमी का डिवाइस यूज़ करके फिर यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो सैमसंग के फ़ोन पर, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या चला रहा है, तो ये भी एक गलत चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हो रही है। अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है सैमसंग के प्रोसेसर से रिलेटेड। एक्जिनस के चिपसेट्स हमें देखने को मिलते हैं, फ्लैगशिप तो छोड़ो यार, हम तो मिड रेंज की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं पे फोकस रख के किया जाए, तो अभी जितने भी मिड रेंज के फ़ोन सैमसंग ने निकाले हैं हर किसी में एक्जिनस 9611 है, एक्सेप्ट सैमसंग गैलेक्सी M51। और अभी मुझे नहीं पता आने वाले टाइम पर कितने और स्मार्टफोन एक्जिनस 9611 चिपसेट के साथ सैमसंग ला के रख देगा, लेकिन कहने की बात ये है कि यार मतलब सेम प्रोसेसर है, जो कि अगर आप में से कोई टैकी नहीं है, ज़्यादा फ़ोन्स को इस तरह से गेमिंग वगैरह नहीं करते हो, हार्ड यूज़ नहीं लेते हो, तो आई गेस आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्जिनस 9611 चिपसेट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे आप 13,000 का ही सैमसंग का कोई फ़ोन क्यों ना परचेस कर रहे हो, क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत पुराना हो चुका है, हमें नहीं मिलना चाहिए। फ़ोन्स मैं गेमिंग की तो क्या ही बात करूँ, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हो तो आपकी कई सारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है, जो मुझे सीरियसली M31S में देखने को मिला है, कई बार मेरा इंस्टाग्राम चलते चलते हैंग करने लग जाता है, तो ये प्रॉब्लम है, प्रोसेसर्स में इम्प्रूव होना चाहिए। और मैं ये आप लोगों को भी बता रही हूँ जो लोग सोचते हैं कि प्रोसेसर से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, बट एक्जिनस 9611 अभी बहुत पुराना चिपसेट हो चुका है, आप अगर ले रहे हो फ़ोन को तो आई गेस आप बहुत ज़्यादा पीछे हो टेक्नोलॉजी से, सॉरी टू से दैट बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। तो अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये है सैमसंग के स्मार्टफोन्स के कैमरास की। एक्चुअली मैं देखो सैमसंग के फ़ोन से ना, जब आप आउटडोर्स में जहाँ अच्छी नेचुरल लाइट आ रही है वहाँ पर अगर फ़ोटोज़ लोगे ना, तो कोई कमी नहीं है फ़ोटो में। आई मीन बेस्ट इन क्लास बोल सकती हूँ सैमसंग के स्मार्टफोन्स को आउटडोर फ़ोटोज़ के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी अच्छी डिटेलिंग होती है, बहुत ही शार्प, और बोल सकते हो डायनेमिक रेंज में तो आई मीन सैमसंग सबका बाप है मेरे अकॉर्डिंग, बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ निकाल के देता है। लेकिन जैसे ही आप इंडोर्स में आते हो, अभी यार इंडोर्स में क्या है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा फ़ोटो खिंचवाने जाओगे तो आप सनलाइट में ही खींच रहे हो, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम इंडोर्स में नॉर्मल जो घर पे ट्यूबलाइट जली होती है हम उसमें भी फ़ोटोज़ लेते हैं, वहाँ पर भी अच्छी फ़ोटोज़ आनी चाहिए। लेकिन सैमसंग में होता क्या है कि फ़ोटो काफ़ी स्मूथ निकल के आती है, तो वो मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है, क्योंकि काफ़ी लोग इंडोर्स में ही फ़ोटोज़ लेना पसंद करते हैं, लेते भी हैं, मैं भी लेती हूँ, लेकिन काफ़ी स्मूथ फ़ोटोज़ आती है। M51 को मैं बोलूँगी कि वो अच्छा परफॉर्म करता है कंपैरेटिव F41 एंड M31S, जो अभी मैंने रिसेंटली यूज़ करे, मैं उन्हीं का अगर बताऊँ तो भी, बट F41 और M31S में काफ़ी स्मूथ फ़ोटोज़ निकल के आती है, जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। तो अगर आप कोई फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो ये भी एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो देखो ओवरऑल बताऊँ तो इन जनरल मैंने आपको कोई प्रॉब्लम बताई है, स्पेसिफिक होके किसी फ़ोन की प्रॉब्लम नहीं बताई है यहाँ पर, जो कंसिस्टेंटली मुझे हर फ़ोन में प्रॉब्लम नज़र आई है मैं आपको वो प्रॉब्लम यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। बाकी ऐसा नहीं है कि सैमसंग के फ़ोन बुरे ही होते हैं और मैंने बुराइयाँ बता दिए तो आपको सैमसंग के फ़ोन लेने ही नहीं है, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो मेरे अकॉर्डिंग इम्प्रूव होनी चाहिए और आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग इसके लिए अवेयर होना चाहिए, वो मैंने बताने की कोशिश करी है। बाकी तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर ये वीडियो किसी भी वे में कहीं पर भी आपको यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।